हेलो एवरीवन, मैं संगीता संवाददाता खबर ले रही कि आज मैं रामपुर हलवारा ग्राम सभा में आई हूँ, जहाँ पर फूल गेंदे की फूल की खेती की जाती है। तो आइए चलते हैं, हम जानते हैं इन किसानों से कि गेंदे की फूल की खेती करने के लिए इन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और ये कितने महीने की खेती होती है। आप ये जो फूल की खेती है कितने सालों से कर रहे हो? अरे बहुत साल से हो रहा हूँ। किस तरह से आप लोग का फ़ायदा हुआ है? अरे बहुत नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ कोई चीज़ का। अभी देखो अब तैयार है तो बिकने वाला नहीं है, क्या करें हम लोग, इसीलिए बहुत परेशान है किसान लोग। तो क्या जो है, जब दीपावली था या और त्यौहार थे तो उसमें आप लोग का जो है मांग नहीं हुआ था? नहीं, मांग तो बहुत था लेकिन तैयार नहीं था। तो ऐसा क्या कारण हुआ, पहले नहीं लगाए थे आप लोग? नहीं लगा था, पहले लगा था लेकिन बारिश की वजह से पिछड़ गया। जो आप लोग फूल की खेती करते हैं गेंदे की फूल, ये आप लोग का किस महीने से शुरू हो जाता है? ये ठंडी में अगस्त में मतलब शुरू हो जाता है, मैं बैठाने के लिए तो पहले बीज का मतलब खेती करते हैं, मतलब फूल का बेरन डालते हैं। हाँ, तो हिसाबे मौके पर तब बेरन तैयार होता है तो खेती में हम बैठाते हैं फूल। हाँ, तब फूल के हिसाब से तब उसका मतलब कोहरी आता है ये चीज़, तो इसको मतलब तोड़ देते हैं। एक बार आप लोग फूल को निकाल लेते हैं? हाँ, तब थोड़ी बात थोड़ा मतलब फैलता फूल ना, तब कंछा ज़्यादा रहता तब फूल ज़्यादा निकलता। तो जैसे अभी शादी ब्याह का मौसम आ रहा है तो कैसे आप लोग का फूल जाता है, किस हिसाब से? ये सब मतलब ये सब ये फूल नहीं जाता है, मतलब छोटा वाला फूल जाता है, जय फरिया वाला ना, तो ये दीपावली पहले बिका जाता है, दीपावली बाद नहीं ले जाती इसको। तो आप लोग का किस मंथ में ज़्यादा बिकता है? इस समय पर दीपावली को, दीपावली के बाद और नहीं जाता क्या? जाता है, मतलब किस ग्राहक ने, ग्राहक सभी जाता है ना। तो आप लोग का जैसे कि कैसे बिकता है, कितने रुपए किलो जाता है? गया था लमसम 100 रुपए किलो गया था आपकी, उसके बाद रेट डाउन हो गया 20-25 में जाता है बस। दवाइयाँ तो काफ़ी पड़ती हैं ये लड्डू गेंदा में। हाँ, इसमें दवाइयाँ काफ़ी पड़ती हैं, जो हमारे यहाँ का हजारा होता है उसमें दवाइयाँ नॉर्मल पड़ती हैं। यानी बिना दवा का नहीं होगा? नहीं, नहीं नहीं। कितना लग जाता होगा दवा में? दवा हफ्ते में एक बार तो डालना ही डालना है। और खाद पानी का क्या कैसे? खाद तो आपके ऊपर है, खाद तो आपके ऊपर है, अगर जैविक खाद डालते हैं तो जितना डालेंगे उतना ही अच्छी बात है, बाकी तो टोटल खेती रासायनिक पर हो रही है, मजबूर है किसान, क्या करे, जैविक उसका मतलब उपलब्ध नहीं है जी। अच्छा, ये जैसे सिंचाई कितने दिनों में करना होता है? सिंचाई जैसे बारिश का समय है तो सिंचाई मान को चलो कभी कदाब हुआ, और ठंड में है तो काफ़ी लंबे समय, मतलब एक बार सिंचाई कर दिए तो 15-20 दिन या महीना ले लेगा मौसम अगर नॉर्मल हुआ, और गर्मी में 6-7 दिन में यानी एक सप्ताह में बिल्कुल सिंचाई मांगती है। लोग खुद का बेरन डाल के अपनी नर्सरी लगा के बैठाते हैं या खरीद के लाते हैं? नहीं, अपने यहाँ नर्सरी आप खुद तैयार भी करते हैं और बाहर से मंगाते भी हैं। कहाँ से लाते हैं? ये नर्सरी आती है कलकत्ता से। तो कैसे देते हैं वो लोग? एडवांस में जब मंगाया जाएगा तो मान के चलो 1 रुपया पेड़, और थोड़ा लेट में मंगाते हैं तो आ जाएगा 50-40 पैसा। हमारे यहाँ पर बहुत सारी फसलें होती है, गोभी से लेकर हर प्रकार जितना फसलें होती हैं सारी होती है। अच्छा अच्छा, जो ये फूल की खेती है तो वो कितने बीघे था आपके पास? वो 5 बीघा लगाए थे। तो क्या हुआ है इसमें, कुछ है? जैसे कि जिस हिसाब से लगाए थे उसमें मुनाफा मिल पाया या नहीं? इस बार तो मुनाफा नहीं हुआ ज़्यादा, बारिश की वजह से, बारिश पहले हो गई तो पहले लग नहीं पाया फूल, और दिवाली भी पहले पड़ गया, और इस बार लगन भी नहीं है कि बाद में बेच सके, तो इस बार लॉस ही लॉस है। तो अभी आप लोग का मतलब ये फूल बिक नहीं पाया? नहीं। हाँ, तो ऐसे में आप क्या करेंगे भैया? अब क्या करेंगे, इसे कटाई करेंगे फिर दूसरा फसल लगाएंगे। ये कितने सालों से इस तरह से आप लोग के साथ हो रहा है, इसी बार या हर बार ऐसा होता है? इस बार ज़्यादा होनी, तो हर बार मुनाफा मिल जाता था, इस बार शायद नहीं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।